तो दोस्तों अगर आप कोई भी एंड्रॉइड स्मार्टफोन यूज करते हैं तो उसमें एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है। आपने देखा होगा कि काफी सारे ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जो आपके मोबाइल में ऑटोमेटिक इंस्टॉल होना चालू हो जाते हैं, या आप अपने मोबाइल में जैसे वाईफाई को ऑन करते हैं तो काफी सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल तो होते ही होते हैं, बाकी जो भी एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटिक अपडेट होना भी चालू हो जाते हैं। तो अगर ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है तो इस प्रकार के प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कीजिएगा वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों अगर आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं, आपका यहाँ पे देखिएगा तो मेरा जो मोबाइल है इस मोबाइल में देखिएगा काफी सारे एप्लीकेशन ऑटोमेटिक यहाँ पे इंस्टॉल हो जाते हैं। जब भी मैं यहाँ पे वाईफाई को ऑन करता हूँ एप्लीकेशन तो इंस्टॉल होते ही होते हैं, बाकी जितने भी एप्लीकेशन होते हैं वो ऑटोमेटिक अपडेट होने चालू हो जाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको जाना है अपने मोबाइल के सेटिंग वाले ऑप्शन में। जैसे आप यहाँ पे सेटिंग वाले ऑप्शन में जाते हैं, सेटिंग वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको सर्च वाले ऑप्शन में जाना है और आपको यहाँ पे लिखना है अननाउ। तो अननाउ सोर्स जैसे लिखिएगा तो आपको इंस्टॉल अननाउ एप्स वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने में नीचे में देखिए इंस्टॉल अननाउ एप्स वाला ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, इस पे आपको क्लिक करना। अब दोस्तों होता है क्या है कि बहुत सारे ऐसे वेब ब्राउजर होते हैं जो आपको अपने मोबाइल में डिफॉल्ट में देखने मिलते हैं और उसमें अननाउ सोर्स जैसे इनेबल किया रहेगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि एप्लीकेशन वहां पे आपका इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको ये चेक कर लेना है कौन कौन सा ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें अननाउ सोर्स को आपने यहाँ पे इनेबल करके रखा हुआ है। नीचे में आप जाइएगा तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रोम ब्राउजर देखने मिला, इस पर आपको क्लिक करना है और अननाउ सोर्स वाला ऑप्शन अगर इनेबल किया तो सिंपली क्या करना है इसको ऑफ कर देना है। इससे क्या होगा कि जो भी एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटिक यहां पे इंस्टॉल नहीं होगा। इसी प्रकार से आपको नीचे में जाना है और जाने के बाद सभी को चेक कर लेना है। जैसे मान लीजिए आप टेलीग्राम यूज करते हैं उसमें भी आपका इनेबल किया रहेगा, फाइल मैनेजर है ये देख सकते हैं इसमें भी इनेबल किया हुआ है। उसी प्रकार आप नीचे में जाइएगा तो आपको व्हाट्सएप एप्लीकेशन मिलेगा या जितने भी मोबाइल होते हैं उसके एक डिफॉल्ट यहां पे प्ले स्टोर होते हैं जिससे भी एप्लीकेशन इंस्टॉल होते हैं। जिसमें रेडमी के मोबाइल में व्हाट्सएप होता है तो इसको आपको क्या करना है अननाउ सोर्स को यहां से बंद कर देना है। नीचे में आप जाइएगा तो बहुत सारे आपको दोस्तों ऑप्शन मिलेंगे जिसमें अननाउ सोर्स यहां पर इनेबल किया रहेगा। जैसे मान लीजिए ओपेरा ब्राउजर है या और भी कोई एप्लीकेशन है जिसको वेब ब्राउजर में यूज कर रहे हैं वो आपको देखने मिलेगा। सिंपली क्या करना है इस प्रकार से क्लिक करना है और उसको दोस्तों आपको सबसे पहले इस प्रकार से बंद कर देना है। बंद कर दीजिएगा तो जो भी आप अननोन सोर्स मतलब वेबसाइट यूज करते हैं उससे अगर कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है वो इंस्टॉल होना बंद हो जाएगा। वहां पे डाउनलोड तो होगा पर क्या होगा कि वो आपका एप्लीकेशन मोबाइल में इंस्टॉल होगा ही नहीं। तो सबसे पहले ये प्रोसेस आपको ये कंप्लीट कर लेना है। ये कंप्लीट करने के बाद दोस्तों आपको यहां से बैक हो जाना है। अब बैक होने के बाद होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है ऑटोमेटिक आपके अपडेट होना चालू हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है प्ले स्टोर में चले जाना है और प्ले स्टोर में दोस्तों जैसे आप यहां पे जाते हैं प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको जाना है प्रोफाइल वाले ऑप्शन में और प्रोफाइल वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको जाना है सेटिंग वाले ऑप्शन में। सेटिंग वाले ऑप्शन में जाने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा नेटवर्क प्रीफरेंस का, इस पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद एप्स डाउनलोड प्रीफरेंस वाला जो ऑप्शन हो रहा है इस पर आप क्लिक करें और क्लिक करने के बाद अगर आपका यह वाईफाई पर सेट किया हुआ है या कोई भी नेटवर्क पे सेट किया तो इसको आपको क्या करना है आस्क मी एवरी टाइम पे सेट कर देना है। उसके अलावा डाउनलोड प्रेफरेंस वाला ऑप्शन मिलेगा इसको भी आपको आस्क मी एवरी टाइम पे सेट करना है। ऑटो अपडेट एप्स वाला ऑप्शन मिलेगा ये आपका वाईफाई मोबाइल नेटवर्क दोनों पे सेट किया रहेगा या वाईफाई पे सेट किया हुआ है तो इसको डोंट ऑटो अपडेट पे सेट कर लेना है और ऑटो प्ले वीडियो को भी आपको डोंट ऑटो प्ले वीडियो पे सेट कर लेना है, ये आपको सेट कर लेना है। और उसके अलावा दोस्तों आपको यहां पे प्रोफाइल में जाके मैनेज एप्स एंड डिवाइस में जाना है और आपको यहां पे अपडेट वाला ऑप्शन मिलेगा सी डिटेल पे क्लिक करना और अगर आपका यहां पे अपडेट हो रहा है तो सिंपली क्या करना है उस अपडेट को आपको यहां से बंद कर देना है। ये प्रोसेस आपको यहां पे कंप्लीट कर लेना है। उसके अलावा आपके मोबाइल में जो भी आपको एप्लीकेशन ऐसे मिलते हैं प्ले स्टोर के एप्लीकेशन जैसे व्हाट्सएप के एप्लीकेशन होते हैं उससे भी आपका क्या होता है कि एप्लीकेशन ऑटोमेटिक अपडेट होता है तो सिंपली क्या करना इसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद नीचे में आपको मी वाला ऑप्शन मिलेगा इस पर आपको जाना है, देन ऊपर में सेटिंग वाला ऑप्शन मिलेगा इस पर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद नीचे में जाइएगा तो एक ऑप्शन मिलेगा ऑटोमेटिक अपडेट का जिसमें वाईफाई से लिखा हुआ है कि ऑटोमेटिक अपडेट एप्स व्हेन कनेक्ट टू वाईफाई, मतलब वाईफाई जैसे आप कनेक्ट करते हो ऑटोमेटिक अपडेट होना चालू हो जाता है तो इसको आपको ऑफ कर देना है। साथ में रिज्यूम पेंडिंग डाउनलोड ऑटोमेटिक वाला ऑप्शन मिलेगा, जैसे आपका आधा यहां पर एप्लीकेशन अपडेट होता है वाईफाई को बंद कर देते हैं और दोबारा जैसे चालू कीजिएगा फिर से वो एप्लीकेशन वहां पर अपडेट होना चालू हो जाता है तो इस ऑप्शन को भी आपको यहां से बंद कर देना है। ये प्रोसेस आपको यहां पर कंप्लीट करना है। देन उसके बाद आपको अपने मोबाइल के सेटिंग वाले ऑप्शन में जाना है, सिस्टम एप्स अपडेटर में जाना है, थ्री डॉट में जाना है, सेटिंग वाले ऑप्शन में जाना है और आपको ऑटो अपडेट वाला ऑप्शन मिलेगा इस पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद इसको भी आपको डोंट अपडेट पे क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा कि एप्लीकेशन ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होगा और जो भी एप्लीकेशन आपका अननोन सोर्स से इंस्टॉल हो रहा है वो इंस्टॉल होना भी बंद हो जाएगा।